15 अप्रैल से दिल्ली में फिर से ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। सड़कों पर कार की भीड़ थोड़ी कम होगी। जाहिर है इसका असर मेट्रो और बस पर पड़ेगा। केजरीवाल सरकार का दावा है कि वो बसों के सहारे लोगों को परेशानी को दूर रखेंगे। दिल्ली में डीटीसी बसों की हालत किसी से भी छिपी नहीं है और करीब 400 बसें रोज ब्रेक डाउन होती हैं। हालांकि टेक्निकल टीम लगातार काम में जुटी हुई है, बावजूद इसके जो बसों की स्थिति है, जो हालत है, उससे सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली में ऑड इवन शुरू होने वाला है और आम जनता इस डीटीसी बस पर निर्भर होने वाली है। दिल्ली में डीटीसी बसेस कम से कम 3800 हैं, लेकिन उनका हाल पूछे ही मत कैसा है। अभी इंडिया 24/7 की टीम आई हुई है यहाँ पर और देखने के लिए कि क्या हाल है बस की। यहाँ पे ड्राइवर बैठे हैं, स्टेयरिंग की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, ना हॉर्न बजाने वाला कुछ है, ना जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था वो भी उखड़ चुका है यहाँ पर। आगे देखते हैं जो फ्लोर है बसेस की, वो ब्रेक लगे और यहाँ पे अगर उतरने के लिए यही मेन रास्ता है उतरने और चढ़ने का। अगर उतरने के लिए कोई यात्री यहाँ आए, अगर ब्रेक लगा, पाँव फंसा, तो कुछ भी हो सकता है सामने। बसेस के सीट की हैंडल की बात करें, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। यहाँ पे नॉब भी नहीं है कि जहाँ पकड़े और ये हाथ को ग्रिप मिल सके किसी को। पकड़ने वाली की हालत ऐसी है कि ब्रेक लगा और सर टूट जाए। फ्लोर में जैसे लग रहा है कि दरारें पड़ चुकी हैं, सीट फट चुकी हैं। परेशानी बस इतनी नहीं, लाइट्स की भी परेशानी है। कुछ लाइट जल रही है, कुछ नहीं। ये देखिए बेल, बसेस के हैंडल ऐसे हो चुके हैं कि लग रहा है इनसे किसी ने कुश्ती की हो। दिल्ली सरकार को जरूरत है इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की। ऑड इवन रूल लागू तो हो चुका है, लेकिन लगता है ऐसा कि जैसे कोई तैयारियों के बिना ही ऑड इवन रूल शुरू होने वाला है। कैमरामैन कमल के साथ श्रुति झा, इंडिया 24/7।